पेयजल की समस्या से वार्ड के रहवासियों को परेशान देख वार्ड पार्षद अजीत वैद ने जलगृह पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने भी निगम की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताया। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 12 सहित अन्य आसपास के वार्डों में बीते कई दिनों से पेयजल की समस्या के चलते वार्ड के रहवासियों को दो चार होते देखा जा रहा है। इस बात को लेकर भाजपा के वार्ड पार्षद अजीत वैद ने नगर निगम का घेराव कर कई बार निगम प्रशासन के अधिकारियों को अवगत भी कराया है। बावजूद इसके वार्ड के लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचने से आक्रोशित पार्षद अजीत वैद ने शनिवार को दुर्ग बस स्टैंड के सामने स्थित जलगृह पहुंचकर धरना दिया और अनशन पर बैठ गए। इतना ही नहीं, जैसे ही इसकी खबर भाजपा पार्षद दल तक पहुंची तो वो भी मौके पर पहुंचे और निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए अमृत मिशन योजना में कार्य किए ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर डाली। इनके घर में पानी आज मिलेगा तभी आज मैं हटूंगा, नहीं तो नहीं हटूंगा। आज गया यार मेरे वार्ड में, आज 15 दिन बाद गए सर, आज तक आपको नहीं दिखा सर। निगम प्रशासन हाय 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 हाय, निगम प्रशासन हाय 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 हाय, महापौर हाय 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 हाय, महापौर हाय 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 हाय। इंस्ट्रक्शन पर क्या कार्रवाई की गई, जिससे तरीके किया कल इन लोगों ने सोचा कि आज पानी मामला फिर बढ़ गया क्या? अरे भाई, उन्होंने मेरे को क्या बोला, पानी आया पाइप में, पानी आ गया लेकिन मेरे घर के लोगों के घर में पानी नहीं आया। तो पाइप से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, लोगों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, निगम को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। कमजोर महापौर हाय 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 हाय, कमजोर महापौर हाय हाय हाय। इस दौरान भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित भाजपा पार्षदों ने निगम की लापरवाहियों का खामियाजा वार्ड की जनता को भुगतने की बात कही। कांग्रेस सरकार ने जो मेरे वार्ड में और 10 नंबर में, 11 नंबर में, 12 नंबर में जो स्वार्थपन दिखाया है, ये मेरे वार्ड लोग को, वार्ड वासियों को उसका भुगतना पड़ रहा है। अमृत मिशन के माध्यम से घर घर में पानी पहुंचाने का जो सपना था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना आज मेरे वार्ड में चकनाचूर होते दिख रहा है। मेरे लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, आज 15 दिन हो गया। मीडिया बंधुओं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने आज तक अनाज से भूखे सुना होगा लोगों को, पानी से भूखे रहते नहीं सुना होगा किसी आदमी को। मेरे वार्ड में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पानी टैंकर पहुंचता है, उसके बाद लोगों के घर में खाना बनता है, ये आलम बना के रखा हुआ है। और नल प्रभारी महोदय, मेरे वार्ड में न जाने कोई पार्षद प्रत्याशी तैयार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो मुझे बताए बगैर, मेरी जानकारी के बगैर वो गली गली में घोपचे में टैंकर भेज देते हैं। उस हितग्राही को पता रहता है टैंकर आ रहा है मेरे वार्ड में, मुझे नहीं पता रहता टैंकर आ रहा है वहाँ पर करके। ये ऐसा स्वार्थपना और दोगलापना किया जा रहा है मेरे वार्ड में। चलो ठीक है, मेरे वार्ड के लोगों को पानी पहुंच गया, दैट्स ऑल, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ये आलम है, मेरे वार्ड में जो पाइपलाइन बिछाई गई है उस पाइपलाइन में पानी आ गया, जैसे तैसे पानी आ गया, लेकिन मेरे को उससे क्या मतलब है, मेरे लोगों को उससे क्या मतलब है? भाई मेरे लोगों के घर में पानी आएगा तब मेरा मतलब है ना, ये तब मुझे पानी से फायदा मिला या मुझे पानी पीने मिला तब मैं समझूंगा ना। मेरे वार्ड के मुख्य पाइपलाइन में पानी आने से उससे मेरे को क्या मतलब है? आपने हैं पूरी की पूरी गलती निगम प्रशासन की है और ये जो अनाड़ी महापौर है, अनाड़ी ठेकेदारों को दे दिए, उन्होंने सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए ना किसी भी अरे गहरे नद्दू गहरे ठेकेदारों को पकड़ के उन्होंने काम दे दिया और आज उसका भुगतना मैं और मेरे वार्ड के, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो समझता हूँ उसको FIR करके उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 मोहनगर पश्चिम से, एक बात और सुन लीजिए, मैं आज तभी उठूंगा जब तक मेरे वार्ड से ये सूचना नहीं आ जाती कि मेरे वार्ड के हर घर में पानी आ गया है। जब तक ये सूचना नहीं आएगी मेरे वार्ड के मेरे लोगों से, तब तक ये अजय पेंटर आज नहीं उठेगा, ये मेरा प्रण है। पानी की समस्या विगत 2 हफ्ते से, लगता है 1 हफ्ता से मेरी जानकारी में है। 4 दिन पहले हमने कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता की बैठक यहाँ ली थी, क्योंकि आयुक्त महोदय शहर में नहीं थे।
हमने आयुक्त महोदय के संज्ञान में ये बात डाल दी है। हमें पहली घलो कहा महापौर के दूध भात्री से अब तो सुसुप्त ज्वालामुखी के जैसे हैं, वो सो गए अब नहीं उठेंगे। वो कांग्रेस के बुरी तरीके से हार के हुए हार का बदला ले रहे हैं आमजनों के साथ। शंकर नगर में पानी का नहीं आना, अगर रुपया कम होता तो मैं स्वीकार लेता। नरेंद्र मोदी के द्वारा 152 करोड़ रुपया दिया गया है, जो रुपया आज भी बाकी है। आखिरकार उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मिली भगत है, मैं जानना चाहता हूं आयुक्त से और महापौर दोनों से। आज भाजपा पार्षद दल शंकर नगर क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर यहाँ धरने पर बैठी है, और जब तक इसका उचित निराकरण नहीं हो जाता, जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती। आपको संख्या में हम कम दिख रहे होंगे निश्चित, ये हम पार्षद बंधु बैठे हैं, इसके बाद में हमारे लोग क्षेत्र के लोग आएंगे जो पानी की पीड़ा झेल रहे हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आएगा, और ये आंदोलन अब प्रतिपल प्रति घंटे प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आज हम आयुक्तों को ज्ञापन देंगे, यहाँ बुलवाएंगे, और नहीं होता है तो कल कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, जिसमें दुर्ग शहर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण भाग लेगी। हम पार्षद लोग हैं, हमें लोगों की छोटी छोटी पीड़ा से ज़्यादा मतलब होता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का हो, कांग्रेस के किसी नेता का हो, अरुण वोरा के लोगों ने तो एक एक फीट में पाइप लगा दिया। मैं चाहता हूँ हम चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रिश्तेदारी से लोगों की समस्याएं कम नहीं हुआ करती, और सुनी सुनी बातों पे हम क्यों यकीन करें। हमारी मांग है कि जो भी ठेकेदार हो और जिसने मापदंड के अनुरूप काम नहीं किया है, दुर्ग नगर निगम उस पर कड़ी कार्रवाई करे। महापौर जी हमको भुलावे में ना रखे। आपका काम व्यापार करने से चल सकता है, आपका काम लोगों को नमस्ते करने से चल सकता है, हमारा काम लोगों घर में पानी आने से ही चल सकता है। हम तब सुखी होते हैं जब हमारे घर में पानी आता है, जब हमारे सड़क में बिजली जलती है। तो मेरी मांग है, मैं खुला बोल रहा हूँ ना, मेरा रिश्तेदार हो तो भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन के लिए पैसा आया नरेंद्र मोदी की तरफ से, बहुत पैसा आया, 152 करोड़ रुपया है, और उसके बावजूद आज गर्मी शुरुआत नहीं हुई है और वार्डों में 15-15 दिन तक के पानी नहीं आना, ये महापौर की नाकामी है और पूर्व विधायक की अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ठेका देना, जिसमें एक एक फीट में पाइपलाइन का डालना, ये सब इनकी नाकामी है और इसमें बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है, घोटाला हुआ है, जिसकी जांच की मांग करते हैं। और जो संबंधित ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन है, जो भी पाइपलाइन के संबंध में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं हम लोग। पाइपलाइन से तो नहीं, टैंकर के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। ये विगत 15 दिन से यही स्थिति है हमारे शंकर नगर टंकी के क्षेत्र में, जितने भी एरिया है उसमें भारी परेशानी है। अब थोड़ा बहुत पानी भी पुराने लाइन में आता है तो पूरा गंदा पानी आ रहा है। ये तो पुराने जो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसकी घोर लापरवाही है। उन्होंने पाइपलाइन तो बिछा दिया, लेकिन जहां एंड कैप लगाना था वहां पूरा खुला छोड़ दिया गया है। उसी के कारण पूरी परेशानी हमको झेलना पड़ रहा है। विधायक महोदय गए थे हमारे साथ, पूरे अधिकारी गए थे, कमिश्नर से लेके नगर निगम जल विभाग के सभी अधिकारी, हमारे पार्षद और नेता प्रतिपक्ष सभी लोग दौरे में थे। सिर्फ मेरे को लगता है सिर्फ जैसे हम लोग को चुटिया बना देते हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, वैसे हमारे विधायक महोदय को भी चुटिया बना दिए और घुमाव फिरा के वही स्थिति में लाके खड़े कर दिए। इस दौरान मौके पर पहुंचे दुर्ग महापौर धीरज बाकरीवाल ने जमीन पर बैठे भाजपा पार्षद दल से बात की, जिस पर आक्रोशित वार्ड पार्षद अजित वैद ने कहा कि जब तक वार्ड के लोगों के घरों में पानी नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही बैठे रहूंगा, चाहे कितने भी दिन लग जाए। वही जब मीडिया ने दुर्ग महापौर से वस्तु स्थिति और लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। हम लोग अभी खुद वहाँ पे दौरा करके आए हैं, हमारे प्रभारी जी साथ थे, नलघर के हमारे मोहित मरकाम जी थे, ठाकुर जी थे। लगभग 70-80% घरों में प्रॉपर पानी सप्लाई हो रहा है। 10-20% में क्योंकि एंड कैप का काम चल रहा है, नई पानी टंकी बनी है। आपको जैसे कि मालूम है कि 12 टंकियाँ थी, अब 18 हो गई, और ये आखिरी टंकी का इंस्टॉलेशन और उसका काम चल रहा था, और नया कनेक्शन एंड कैप गैप क्लोजिंग का काम चल रहा है उसमें। तो कुछ घरों में मैं मानता हूँ कि ज़रूर पानी की समस्या है, और लेकिन नगर निगम के पूरे अधिकारी कर्मचारी पूरी टीम वहाँ
लगी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि एक दो दिन में प्रॉपर पूरे चारों वार्डों में 10, 11, 12, 13 में पानी अच्छे से हम लोग सप्लाई कर पाए। ठेकेदार को लगातार नोटिस भी दिए, उनका ईओएम भी अभी हम लोगों ने कैंसिल किया है। ये पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्य है, अमृत मिशन की जो योजना है पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई थी और पीडीएमसी भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो काम पीडीएमसी का है उसके काम को अच्छे से देख रेख करके इंस्टॉलेशन करना, लेकिन उसके बाद भी हमारे नगर निगम की टीम पूरी तन्मयता से लगी हुई है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक दो दिन में पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। निगम की लचर कार्यप्रणाली को लेकर वार्ड के लोगों ने भाजपा पार्षद दल के साथ मिलकर मोर्चा खोला है। देखना होगा किस तरह की पहल करते हुए लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।